हेलो दोस्तों, आज मैं एक नया ऑर्डर लगाने जा रहा हूँ और ये देखिए पहले से ऐड टू कार्ट कर रखा है मैंने। मोटो जी 72 ओरिजिनल डिस्प्ले में है, बहुत ही अच्छे रेट में आया। देखिए 5250 रुपये का रेट है इसका और माइनर स्क्रैच है। और देखिए नीचे बैक कैमरा ब्लर है, तो बैक कैमरा ब्लर है ये, तो देखेंगे कैसा ब्लर आएगा। बाकी फ़ोन कंडीशन में बढ़िया आएगा, ये मेजर स्क्रैच है। तो चलिए ऑर्डर लगा लेते हैं, देखते हैं कोई कूपन लग रहा है कि नहीं इसके अंदर। तो इसमें देखिए कूपन लग चुका है दोस्तों, Gate 3 का 158 रुपये का कूपन लग गया है। और क्योंकि मैंने पास लिया था तो पास के 500 रुपये पड़े हैं मेरे पास, तो वो भी मैं इसमें देखिए 356 रुपये इसमें ऐड हो गए हैं पास के, तो 4800 रुपये का पड़ गया ये। तो एड्रेस ले लेते हैं अपने शॉप का, तो अगर कोई और भाई भी ऑर्डर लगवाना चाहे तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकता है, नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए 4806 रुपये का पड़ रहा है और जब हम ऑर्डर लगाएंगे ये दोस्तों, ये पेमेंट हमारी आई हुई है, हमने एक फ़ोन रिटर्न डाला था, तो देखिए 0 पेमेंट करनी है हमें, ये ऑनलाइन हमारा ऑर्डर लग गया है क्योंकि एक फ़ोन रिटर्न डाला था। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप? रॉयल अनबॉक्सिंग चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं एक नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ। देखिए नया पैकेट हमारे पर डिलीवर हुआ है और देखिए सिर्फ 4805 रुपये का पैकेट है और ये फ़ोन हमने मंगाया है एमोलेड डिस्प्ले में है, डिस्प्ले फिंगर में है। तो आप सोच सकते हैं 4805 रुपये का कितने अच्छे रेटों में आया है। और इसमें मैंने बैक कैमरा ब्लर में मंगाया था। तो चलिए फ़ोन खोल के देखते हैं दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अनबॉक्सिंग करते हैं। तो अगर आप लोगों को भी दोस्तों कोई ऑर्डर लगवाना हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने यारा दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताएं, ताकि वो भी हमसे नए दोस्तों फ़ोन ऑर्डर लगवा सके और फ़ायदा उठा सके हमसे। तो देखिए दोस्तों, ये रहा बिल और ये रहा फ़ोन, बॉक्स साइड में कर देते हैं। तो देखिए सबसे ऊपर इसका बिल आ चुका है, तो मैं आपको बिल दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों 4805 रुपये का बिल है। मोटो G72 है ये, इससे पहले भी मैं मंगवा चुका हूँ। इससे पहले एक बार मैंने मोटो G72 5500 रुपये का मंगाया था, एक बार 5200, इस बार देखिए 4800 रुपये का आया है। और 6GB 128GB सीक्रेट में है, ग्रे कलर में है। ये रहा फ़ोन का EMI नंबर और ये रहा हमारे शॉप का एड्रेस, जो आपको पता ही है, बिलिंग एड्रेस होता है हमारा ये, और ये शिपिंग एड्रेस भी होता है हमारा, जो कि सेम होता है। और शिपिंग एड्रेस दोस्तों चेंज होता रहता है, जैसे मैं किसी भाई का ऑर्डर लगवाता हूँ तो उसके हिसाब से शिपिंग एड्रेस उनका एड्रेस डल जाता है इसमें। तो इसी वजह से दोस्तों हम कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में पैकेट डिलीवर करवा सकते हैं कैशिफाई से ऑर्डर लगा के। तो अगर आप भी ऑर्डर लगवाना चाहो तो लगवा सकते हैं। ऑर्डर चार्ज हमारा आपको पता है 250 रुपये होता है। और ये देखिए पूरा पक्का बिल होता है, ये देखिए मानक वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। तो चलिए दोस्तों साइड में रखते हैं बिल और फ़ोन की तरफ चलते हैं। ये रहा फ़ोन। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप भी देख पा रहे हैं फ़ोन की कंडीशन तो काफ़ी बढ़िया, देखिए काफ़ी बढ़िया कंडीशन में फ़ोन आया है, कंडीशन लाजवाब है। और ये देखिए बारकोड लगा हुआ है, इसे रिमूव ना करें बिल्कुल भी, पहले फ़ोन चेक कर ले 48 घंटे तक, और ना ही इसके स्टिकर होता है, ये वारंटी का होता है, 48 घंटे की वारंटी आती है, पहले अच्छी तरीके से चेक कर ले उसके बाद ही हटाए। और देखिए मोटरोला का लोगो लिखा, लोगो आ रहा पीछे, ये यहाँ पे फिंगरप्रिंट आता था पहले मोटरोला का, लेकिन क्योंकि इसमें डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है इसलिए वो फ्रंट पे है। और देखिए 108 मेगापिक्सल का कैमरा है। और मैंने ये दोस्तों कैमरा ब्लर में मंगाया था। तो देखिए एक चीज़ मुझे आपको दिखाई दी, छोटी सी मुझे दिखाई दी है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो देखिए कैमरा इसका देखिए ठीक है दोस्तों, ब्लर नहीं है, लेकिन जो इसका कैमरे का गिलास है उस पर स्क्रैचेस दिख रहे होंगे, तो ये चेंज करके गिलास काम चल जाएगा। तो 108 मेगापिक्सल कैमरा है इसका मेन ही वाला, और 3 कैमरे का सेटअप। और देखिए फ्लैश लाइट भी काफ़ी बड़ी दे रखी है। और कंडीशन वाइज देखिए बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल ऐसा लग रहा है नया फ़ोन आया है, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है फ़ोन। और जैसे कि सैमसंग के दोस्तों फ़ोनों में होता ही है, जैसे कि मैं आपको दिखाता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ दिखाने की। तो इसमें देखिए डॉल्बी एटमॉस होता है यहाँ पे लिखा हुआ, इसका मतलब इसमें देखिए दोस्तों, इसके अंदर इसका मतलब ये डॉल्बी एटमॉस का मतलब ये होता है दोस्तों कि इसमें दोनों स्पीकर चलेंगे, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए फ़ोन ऑन कर लेता हूँ मैं। देखिए फ़ोन ऑन हो रहा है।
देखिए ऑन हो चुका है फ़ोन, और देखिए एमोलेड डिस्प्ले है इसकी, ब्राइटनेस का मैं थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। देखिए दोस्तों सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी है और डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी है, फ़ोन बहुत तगड़ा है दोस्तों। बस इसमें एक ही कमी है, जो कमी नहीं कह सकते, वो ये फ़ोन 5G नहीं है, 4G है। और अगर 5G फ़ोन होता तो और भी तगड़ा होता, लेकिन ये फ़ोन 4G है। लेकिन आज भी इतनी डिमांड है, देखिए दोस्तों मैं भी कई फ़ोन मंगा चुका हूँ ये। और वाईफाई देखिए चेक कर लेते हैं सबसे पहले इसका, तो देखिए वाईफाई सारे आ चुके हैं, तो इसका मतलब वाईफाई चालू है। एक बार ब्लूटूथ भी चेक कर लेते हैं, तो देखिए ब्लूटूथ भी चेक कर लेते हैं एक बारी। तो देखिए दोस्तों चालू हो चुका है ब्लूटूथ, कोई आसपास डिवाइस नहीं होगा इसलिए अभी तक आया नहीं है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो वीडियो लंबी हो जाती है। तो ब्लूटूथ भी इसका ऑन है, वाईफाई ब्लूटूथ दोनों सही है। और इसके एक बार टच हम चेक कर लेते हैं, टच कैसी चल रही है, प्रॉपर चल रही है कि नहीं। तो देख पा रहे हैं आप दोस्तों टच भी इसकी सही काम कर रही है, और एक बार ऐसे भी देख लेते हैं। दो तरीके होते हैं दोस्तों टच चेक करने का, मैंने आपको दिखा दिया है। तो जहाँ से भी ये छोड़ देगा इसका मतलब टच वहाँ से काम नहीं कर रही है, पर इसकी टच देखिए सही चल रही है, तो प्रॉपर काम कर रही है। और बिल्कुल डिस्प्ले मैं ओरिजिनल ही प्रेफर करता हूँ अपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं, ओरिजिनल डिस्प्ले ही मैं करता हूँ, क्योंकि ओरिजिनल डिस्प्ले में ही दोस्तों फ़ोन अच्छे आते हैं और चलाने में जो मज़ा आता है वो ओरिजिनल में आता है। तो एक बार मैं इसके कलर सेट कर ले रहा हूँ दोस्तों, इसके कलर मुझे कुछ पीले पीले से लग रहा है, अब ये पता नहीं वीडियो में लगे ना लगे, लेकिन मुझे पीले पीले से लग रहा है कलर। तो चलिए मैं एक बार इसका कलर सेट करके देखता हूँ, सेट करने का सिस्टम होता है दोस्तों हर फ़ोन में होता है। तो देखिए अब थोड़ा ठीक लग रहा है, थोड़ा कूल पे ले आए हम इसे, कूल साइड पे थोड़ा ठीक लगता है, ज़्यादा वार्म अच्छा नहीं लगता। तो देखिए अब ठीक लग रहा है थोड़े, अब इसके कलर थोड़े ठीक लग रहे हैं मुझे। तो चलिए इसका एक बार कैमरा भी दोस्तों चेक कर लेते हैं, कैमरा ब्लर किस तरीके से ब्लर है, क्योंकि ब्लर में ही मंगाया मैंने और सी ग्रेड में मंगाया, तो सी ग्रेड में दोस्तों ये पॉलिसी होती है के फ़ोन में एक प्रॉब्लम आ सकती है सी ग्रेड में, तो इसमें बैक कैमरा ब्लर है, अगर दो प्रॉब्लम आई तो मैं इसे रिटर्न कर सकता हूँ इजीली। तो चलिए कैमरा चेक कर लेते हैं इसका। तो देखिए दोस्तों जैसा कि लिखा हुआ था कैमरा ब्लर, जैसा कि फ़ोन में लिखा हुआ था क्यूसी रिपोर्ट में मैं डालूंगा कैमरा ब्लर, तो इसका कैमरा ब्लर ही है। और जो देखिए ये वाला कैमरा ठीक आ रहा है, देखिए ये वाला कैमरा ठीक आ रहा है और ये वाला भी कैमरा ठीक है। मेन कैमरा इसका दोस्तों ब्लर है, जो इसका मेन कैमरा है वो ब्लर है। और फ्रंट कैमरा देख लेते हैं एक बारी, तो दोस्तों फ्रंट कैमरा देखिए बिल्कुल ठीक है, जुमे का दिन है नमाज़ पढ़ने गया था मैं आज, तो देखिए इसका फ्रंट कैमरा बिल्कुल ठीक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस बैक कैमरे में दिक्कत है, ब्लर है। तो चलिए एक बार इसका स्टोरेज भी देख लेते हैं अंदर जाके, कि स्टोरेज देखिए इसमें 128 GB दे रखा है ये रहा, और 6 GB रैम है इसकी। और बैटरी दोस्तों इसकी 5000 mAh की बैटरी है, जो कि बहुत अच्छी तरीके से चल जाएगी पूरे दिन आपकी। और साउंड भी चेक कर लेते हैं एक बारी, देखिए दोस्तों साउंड सही आ रहा है दोस्तों, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों स्पीकर बज रहे हैं। और वाइब्रेशन भी चालू है, क्योंकि मैं टच कर रहा हूँ तो मुझे पता लग रहा है, फील हो रहा है कि वाइब्रेशन भी चालू है। और एक बार इसका फिंगरप्रिंट लगा के देख लेते हैं दोस्तों, फिंगरप्रिंट और इसका फेस लॉक दोनों ही चेक करेंगे,
तो सबसे पहले फिंगरप्रिंट लगा के देख लेते हैं इसका। तो ये देखिए फिंगरप्रिंट लगा के चेक कर लेते हैं कैसा लग रहा है। तो देखिए फिंगरप्रिंट लग चुका है और चलिए खोल के देखते हैं एक बारी कैसा काम कर रहा है। तो देखिए दोस्तों एक बार में ही काम कर रहा है फिंगरप्रिंट, और मुझे तो पर्सनली डिस्प्ले फिंगरप्रिंट वाले फ़ोन ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। देखिए दोस्तों काम कर रहा है बिल्कुल, एक बार भी मिस नहीं कर रहा, ठीक काम कर रहा है। तो फिंगरप्रिंट भी चेक हो चुका है इसका, अब एक बार इसका फेस लॉक भी चेक कर लेते हैं हम। तो देखते हैं फेस लॉक कैसा काम कर रहा है। तो दोस्तों फेस लॉक इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा, देखिए आप लग गया एक बार में। तो चलिए एक बार फेस लॉक भी देख लेते हैं इसका कैसा काम कर रहा है। तो देखिए दोस्तों खुल जा रहा है इजीली, ये देखिए जैसे मैं देख रहा हूँ डिस्प्ले की तरफ, ये देखिए खुल जा रहा है। थोड़ा सा वक्त ले रहा है ज़रूर, लेकिन काम सही कर रहा है, ठीक काम कर रहा है, अच्छे से खुल जा रहा है। तो चलिए इसमें अब मैं आपको एक बार सिम डाल के भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार इसके फ्लैश लाइट जला के देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों फ्लैश लाइट काफ़ी बढ़िया फ्लैश लाइट है, देखिए अच्छे से काम कर रही है, देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया काम कर रहा है। देखिए वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम अप बटन भी सही काम कर रहा है। तो चलिए इसमें सिम डाल के देख लेते हैं एक बार ही, उसके बाद मैं चार्जिंग भी आपको चेक कराऊंगा करके कि चार्जिंग सही है इसकी नहीं है, जो भी है आपको चेक कराऊंगा। तो अगर आपको भी ऑर्डर लगवाना हो दोस्तों तो जाके आप कैसीफाई के स्टोर पर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे रेटों में आया हुआ है इस टाइम ये फ़ोन मोटो G72, और मैंने दो तीन मंगवा चुका हूँ, मैं उसमें एक बेच भी चुका हूँ और अच्छे खासे मुनाफे में बिक गया वो मोबाइल। तो देखिए सिम आ चुकी है, कॉल करके देखता हूँ मैं अब इसमें। ये कॉल आ चुकी है मेरे पास, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो उठा लेता हूँ मैं, बात करके देखता हूँ। हेलो 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 हेलो। तो देखिए इसमें काम सेंसर भी ठीक काम कर रहा है दोस्तों, प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी अच्छे से काम कर रहा है, और माइक भी ठीक काम कर रहा है, ऊपर वाला स्पीकर भी कर रहा है ठीक काम, और ये वाला स्पीकर भी ठीक काम कर रहा है। तो सब कुछ ठीक है इसके अंदर। अब एक बार चार्जिंग आपको चार्जिंग करके भी चेक करा देता हूँ। तो देखिए सिम मैंने आपको डाल के दिखाई दिया है, तो चलिए सिम निकाल लेता हूँ मैं इसकी, उसके बाद चार्जिंग भी चेक कराऊंगा एक बार लगा के। तो कैमरामैन से कहूँगा चार्जिंग दिखाने के लिए। तो ये देखिए मैंने चार्जिंग का इसमें लगा दिया है, और ये देखिए चार्जिंग रैपिडली दिखा रहा दोस्तों, देखिए
देखिए लिखा हुआ आ रहा है चार्जिंग रैपिडली, तो चार्ज भी ठीक हो रहा है फोन ये, और डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट, फेस लॉक सब चीज़ वर्किंग है इसमें। बस जो बैक कैमरा ब्लर में मैंने मंगाया था तो बस वही दिक्कत आई है, बैक कैमरा ब्लर ही आया है इसका। बाकी दोस्तों वीडियो मैंने, और मुझे लगता नहीं इसमें कुछ रह गया होगा, बाकी मैंने सब कुछ आपको दिखाई दिया है। तो अगर आपको भी ये मॉडल अभी आया हुआ है अच्छे रेटों में तो किसी को चाहिए तो ऑर्डर लगवा सकता है। बाकी आपसे मैं मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहें।